नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूडिंग की शुरुआत करते हैं। साल 2024 की शुरुआत में ही सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को 2024 करोड़ की 153 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, यह हमारे लिए सिर्फ एक नारा ही नहीं है बल्कि प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए किए जा रहे हमारे कार्यों का मूल आधार है। सीएम ने यह भी कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही हम दिन रात इसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। तिरपन परियोजनाएं जिस आज का ये दिन हरियाणा के प्रगति के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा एक संयोग जुड़ा है 24 जनवरी 2024 और कुल राशि 2024 करोड़, इस ऐतिहासिक दिन पर यहां अपने साथ मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, विधायक बरवाला श्री जोगराम सहयाग जी, यहां हमारे जो लुआस यूनिवर्सिटी लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज श्री विनोद वर्मा जी, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मेरे साथी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित, सभी हमारे महानुभाव बहनों भाइयों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज जैसा बताया गया कि यहां लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है, लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया हमारा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि वेटरनरी सर्जन की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रविवार को होनी थी वेटरनरी सर्जन की परीक्षा। एचपीएससी ने जारी किए निर्देश और जल्द परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, आपको बता दें कि रविवार को होनी थी परीक्षा और एचपीएससी ने जारी किए हैं निर्देश, जल्द परीक्षा की नई तारीख को घोषित किया जाएगा।
बड़ी खबर चंडीगढ़ से, आपको बता दें कि वेटरनरी सर्जन की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। रविवार को ये परीक्षा होनी थी और एचपीएससी ने निर्देश जारी किए हैं, जल्द परीक्षा की नई तारीख को घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को परीक्षा होनी थी जिसे अब रद्द कर दिया गया है। वेटरनरी सर्जन की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, रविवार को ये परीक्षा होनी थी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये निर्देश दिए हैं और जल्द परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। रविवार को सर्जन की परीक्षा होनी थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक अनाउंसमेंट भी किया गया है जिसमें परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल यह परीक्षा रविवार को होनी थी और साथ ही कुछ कारणों की वजह से एचपीएससी ने ये निर्देश भी दिया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी करते हुए निर्देश दिया और जल्द उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द परीक्षा की नई तारीख को घोषित किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को 2024 करोड़ की सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने हिसार से वर्चुअली जुड़कर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि यमुनानगर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया और यमुनानगर जिले की भी 15 करोड़ 42 के जो है विकास कार्यों की सौगात मिली। पूरे प्रदेश को करोड़ों की सौगात मिली है और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज जिले की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। लोगों के लिए माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी हर बार इसी प्रकार से करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा के हर जिला को देते हैं और इस बार भी 2024 करोड़ रुपए की सौगात पूरे हरियाणा को दी है और उसमें जो काम हमारे यहाँ भी शुरू होने वाले हैं, कुछ हमारे काम पूरे उसके मैक्सिमम काम तो हमारे कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो उन्हें भी 15,41,66,000 के जो काम है वो हमारे जिले के हैं, जो लगभग सारे पूरे हो चुके हैं, उनमें से कुछ हैं उनकी शुरुआत होगी। तो आज हमारा सौभाग्य इस प्रकार की सौगात मिली सर पूरे तो हर बार दिखाई देता है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और उस योजनाओं को बताते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी इस प्रकार की छूट इस प्रकार का ऑप्शन के पास नहीं है कहने का कि विकास किसी एक जगह पे रहा। अब आप देखते हैं कि हर जगह जिस प्रकार की जरूरत है उसी प्रकार का विकास उतना ही खर्च वहां पे हो रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर अंबाला में आज ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। जिला मुखिया द्वारा ध्वजा का आरोहण भी किया गया और साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा योग डांस की प्रस्तुति भी दी गई। हर साल इस दिन आपको बता दें कि धूमधाम से मनाया जाता है और अंबाला में इस बार जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस लाइन में होगा जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि ड्रेस रिहर्सल भी किया जा रहा, देशभक्ति का जुनून कड़कड़ाती ठंड पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा। जिला मुखिया डॉक्टर शालिन ने ध्वजारोहण किया है और उसके बाद में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अंबाला एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने भी बताया कि 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। छब्बीस जनवरी का जो हमारा जिला लेवल का मेन फंक्शन है वो पुलिस लाइन अम्बाला सिटी के अंदर रहेगा और उस प्रोग्राम के लिए जो हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनकी आज रिहर्सल भी डिटेल के अंदर की गई है। इसके अलावा जो जनरल अलर्ट है वो हमने जारी कर रखा है। अम्बाला एक
संवेदनशील सेंसिटिव स्टेशन होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का कंटोनमेंट, एयरफोर्स स्टेशन, रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है, तो उसको देखते हुए हमने जो लोकल सीआईडी और नदर सेंट्रल एजेंसीज के यूनिट्स हैं उनके साथ। प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कैथल के बस अड्डे पर भी रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वे बड़े आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। कोहरे के कारण आपको बता दें कि अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक घंटे से लेकर 14 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही हैं। फॉग और ठंड के कारण लेट होने वाली ट्रेनों की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा की व्यवस्था की गई है। रेलवे का प्रावधान है कि अगर किसी यात्री की ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो वो अपना पूरा रिफंड ले सकता है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक राम ने बताया कि धुंध के कारण 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। स्टेशन के सभी वेटिंग हॉल में यात्रियों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें फॉग की वजह से लेट चल रही हैं, जिसमें से प्रमुख है अमृतसर कानपुर 22446, ये करीब 12 घंटे से ज़्यादा लेट है। 1656 लोहित एक्सप्रेस, ये करीब 4.5 घंटे से ज़्यादा लेट है। इसके अलावा 1809 मुरी एक्सप्रेस, ये करीब 8.5 घंटे से ज़्यादा लेट है। इसके अलावा हावड़ा से कालका को जाने वाली 1311, ये करीब 10 घंटे से ज़्यादा लेट है। इसके अलावा जो प्रमुख जैसे शताब्दी है हमारी नई दिल्ली से कालका, ये करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। यात्रियों के लिए हमारी तरफ से हर तरह से मतलब सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उनके लिए एक अलग से हेल्प डेस्क लगाई गई है, क्योंकि जिससे इंक्वायरी पे ज़्यादा भीड़ ना हो, इंक्वायरी के अलावा एक हेल्प डेस्क भी लगाई गई है जो उनको समय समय पर सारी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा सारे वेंडर्स को हमने कह दिया है कि आप पर्याप्त मात्रा में दूध पानी एवं जो भी यात्रियों की जरूरतों का सामान है पर्याप्त मात्रा में रखें और यात्रियों को तुरंत उपलब्ध करवाएं। सर, अगर रिफंड की बात करें तो रिफंड रेलवे के नियमानुसार 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पे गाड़ी का पूरा रिफंड मिलता है, और जो भी यात्री रिफंड लेना चाह रहे हैं उनके लिए करंट काउंटर अवेलेबल है। कल मौसम साफ था तो उम्मीद कर रहे थे हम कि क्या कहते हैं जल्दी समयबद्धता पे ट्रेनें चलेंगी, लेकिन आज रात में फिर फॉग पड़ गया है। और इसके अलावा कल प्रशासन ने 45-21, 45-22 जो अंबाला से दिल्ली के लिए जाती है उसको शॉर्ट टर्मिनेट करके आज राइट टाइम चलाया है, लेकिन फिर फॉग पड़ गया है। तो रेलवे प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, कंट्रोल भी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करके मतलब क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल ने आज हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सिरसा से संबंधित लगभग 58 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में किया गया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, और इस दौरान सिरसा से बीजेपी जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग और साथ ही आपको बता दें कि सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी रही है। मीडिया से बात करते हुए चौधरी रणजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी को एक बीती हुई पार्टी बताया है।
बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर अपना जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में ईडी से लेकर जो चोटी का तक जो है वो डूबी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के मकान में पत्थर फेंकने का कोई हक नहीं है। सांसद बुधवार को झज्जर में सीएम मनोहर लाल द्वारा ऑनलाइन किए जा रहे कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस नेता खड़गे और साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और द्वारा बीजेपी और खासकर मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलों दिमाग में भारत का बुजुर्ग किसान और गरीब बसता है। भाव जो है वो लेकर के वो काम बने। खड़गे जी का बयान आया है और खड़गे जी का बयान आया कि कोई भी दलित यदि वोट देता है उसको गुलामी स्वीकार करने के लिए भाजपा को वोट देनी पड़ेगी उसको। देखिए ऐसा है, इन चीजों से देश बहुत ऊपर उठ गया और मोदी जी ने तो कितना बड़ा आह्वान, कितनी बड़ी बात की है। हमें जाति पाति के भेदभाव से उठना पड़ेगा तभी हम 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी ने क्या कहा है? देश को मोदी जी ने डिवाइड किया, चार जातियां, गरीब चाहे दलित है, बैकवर्ड है, किसी भी जाति से, उस गरीब के लिए आप देखें मोदी जी का भाव है, अंत्योदय। ये जो यात्रा थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये उस गरीब के लिए थी, उस गरीब के लिए। नहीं भी आती है तो मैट्रिक के आधार पर जहां जिस चीज की आवश्यकता। रेवाड़ी के किसान ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किस तरह से प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना किया जाए और उन्हें खुशहाल कैसे बनाया जाए, क्योंकि प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश खुशहाल और प्रगतिशील होगा। इसी कड़ी में किसान सतपाल ने भी आगे कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए सही साबित हुई हैं। किसान सतपाल की माने तो ये अपनी खेती में यूरिया या फिर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं जिनसे कैंसर और हार्ट से जुड़ी समस्याएं जो हैं बीमारियां पनपती हैं, बल्कि ये अपनी खेती में सिर्फ गौमूत्र, गाय का गोबर और गुड़ से बनी हुई देसी खाद की का प्रयोग भी करते हैं जिनसे उगाई गई सब्जियां और फल खाने में स्वादिष्ट होते हैं। मैं 4 एकड़ में कर रहा हूँ बागवानी, इसमें चीकू है, मौसमी है, किन्नू और नींबू है। जो हमारी परंपरागत फसलें हैं गेहूं और सरसों, उनके साथ आपने बागवानी का काम शुरू किया, फायदा किस में ज्यादा, बागवानी के अंदर या परंपरागत फसलों के अंदर था, और मेहनत किस में ज्यादा? नहीं सर, मैंने तो बागवानी में ज्यादा फायदा लग रहा है क्योंकि उसमें तो हर 6 महीने बीज लाओ, फिर उसमें उगाओ, फिर उसमें लेबर भी लगती है, कटाई बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, एक बार लगा दिया 3 साल का हमें जरूर वेट करने पड़ता है, पर उसके बाद 18-20 साल 25 साल तक हमें फल देते हैं। और इसके अंदर फिर जो जगह होती है उसमें हम सब्जी लगाते हैं, उससे क्या होता है सब्जी भी निकलती रहती है, फ्रूट भी होता है, तो इससे हाथ चलता रहता है। इसमें बाट नहीं देखनी पड़ती 6 महीने के लिए, भाई वो फसल कटेगी फिर वो बिकेगी फिर उसके पैसे आएंगे। अभी बागवानी में क्या क्या चीजें हैं आपके पास, सब्जियों में क्या है, फल में क्या है? सर मेथी है, पालक है, धनिया है, आलू है, मूली है, सुंदर है, शलगम है, और किन्नू मौसमी वगैरह, किन्नू मौसमी, चीकू, नींबू, ये सब। कितने समय में तैयार हो जाती है ये सब चीजें? ये सर फ्रूट तो पेड़ लगाने के 3 साल बाद होती है, और सब्जी हर तीन महीने में हो जाती है, तैयार हो जाती है। आप 4 एकड़ में काम कर रहे हैं तो कितना मुनाफा हो जाता है, लागत कितनी लगती है 1 एकड़ में, मुनाफा कितना होता है? सर इसमें 25-30 हज़ार रुपये लागत लग जाती है और 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में इसमें। बाजार में जो सब्जियां मिलती हैं विषाक्त सब्जियां, क्योंकि कैंसर, लीवर, हार्ट जैसी आजकल बीमारियां फैल रही हैं, तो ये नतीजा शायद कहीं ना कहीं यूरिया यूज सब्जियों का होता है। हाँ जी, कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं। आप किस प्रकार की खाद का यूज करते हैं और फर्क क्या होता है बाजार में और इसमें दोनों में? देसी खाद डालते हैं और इसमें गौमूत्र इनकी स्प्रे करते हैं, गोबर गाय का, इनका और भैंस का गोबर भी होता है, ये डालते हैं। और इसमें जो डीएपी यूरिया जो डालते हैं वो सब्जियां सड़ती है, वो क्या होता है कि वो 2 दिन रखे रहती है वो सड़ जाती है, और जो ये प्राकृतिक सब्जी होती है ये कभी सड़ती नहीं, ये बूझती है और वो भी काफी टाइम बाद। हाँ, तो ये खाने से फायदे भी होते हैं।
टेस्ट में भी फर्क होता है, फर्क होता है दोनों चीजों में, फर्क होता है। बिजली पहले किसानों के लिए समस्या थी, कोई समय नहीं था बिजली के आने का, और अब जो चेंज किया है दिन के अंदर जो बिजली आने लगी, कितना फायदा हुआ इससे सर? उसमें काफी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की माने तो शासन प्रशासन की वादा खिलाफी को लेकर उनमें काफी रोष भी है। गुरुग्राम से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। बोनस और हिट एंड रन कानून वापसी को लेकर मांगों समेत दूसरी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का भी कहना है कि अगर उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो वहीं प्रदर्शन के चलते यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तो परिवहन मंत्री से 23 जून 2023 को सांझा मोर्चा की बातचीत हुई थी, उस समय कई मांगों पर सहमति बनी थी, और जो सांझा मोर्चा है उसको परिवहन मंत्री की तरफ से पीएसटी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि एक महीने के अंदर जो मांगे मानी गई है उनको पूरा किया जाएगा, और अन्य मांगे जिन पर सहमति बनी है, जिनको माननीय परिवहन मंत्री जी भी ये मानकर चल रहे थे कि भी ये जायज मांगे कर्मचारियों की पूरी होनी चाहिए, तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार को हम ये भेजेंगे कि भी कर्मचारी की जायज मांगे हैं और इनको पूरा किया जाए, पॉजिटिव इसके ऊपर सोचा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी न्यू हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा यूनियन के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों के प्रस्तावित हड़ताल को लेकर नू जिले में सुबह 10 बजे तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। जहां पर नू जिले को सड़कों पर हरियाणा रोडवेज की बसें सुबह से ही चलती नजर आई, वहीं हरियाणा रोडवेज के बस अड्डे पर हरियाणा रोडवेज की बसें अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए सवारियां भरती नजर आई हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने चक्का जाम को लेकर पूरी तैयारियां भी कर दी हैं, और जिला उपायुक्त धीरेन्द्र ने भी सभी बस अड्डों और वर्कशॉप में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाकर उनकी नियुक्ति की गई है ताकि कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे। सर ड्राइवर पद पर कार्य करता हूँ, इंचार्ज लगा रहा हूँ, और जो भी कोई गाड़ी इन खड़ी है वो सारी अपने अपने रूट पे चली गई है। कितनी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं रूट? यहाँ से 7 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, 7 गाड़ी नाइट कर रही है, जो वो सारी निकल गई है। यहाँ कोई चक्का जाम का कोई नहीं है सर, सारी गाड़ी अपने टाइम पे चली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।